ये कहानी है भारत के वीर पुत्र और मेवाड़ रत्न महाराणा प्रताप की। अजब डे कुंवर प्रताप से बिजोलिया छोड़कर जाने को कहती है, जिसे कुंवर प्रताप भारी मन से स्वीकार करते हैं। जैसे ही कुंवर प्रताप बिजोलिया छोड़कर जा रहे होते हैं, वहीं एक ओर महमूद शाह बिजोलिया पर आक्रमण करने की तैयारी करते हैं, तो दूसरी ओर अकबर और बैरम खान बिजोलिया की तरफ बढ़ रहे होते हैं। अब आगे भाईसा, लक्ष्मी अचानक बहुत अशांत हो गई है। वो अपने आप को खुटे से छुड़ाने का प्रयास कर रही है। क्या? वैसे जब तक आप मुंह नहीं खोलती थी, इतनी बुरी भी नहीं लगती हो। जो भी कहना चाहती है ये उसे लड़ते लड़ते के लड़ते के आपको सुविधा सुविधा हो। लक्ष्मी, कुंवर प्रताप जानते हैं इसलिए इतनी अशांत है ना, जानते हैं कि खड़े खड़े आपको बिजोलिया की बात, महलों की बात, हमारे मन की बात सब पता चल जाता है। आप हमसे नाराज है ना लक्ष्मी? पर लक्ष्मी, क्या करते हो? विकल्प क्या था हमारे पास? हमारे लिए भी सरल नहीं था उन्हें बोलने यहां से जाने के लिए। फिर भी हमें कहना पड़ा लक्ष्मी, उनकी गरिमा को, उनके आत्मसम्मान को, उनके विश्वास को, उनके स्नेह को, सबको चोट पहुंचाई हम, सबको चोट पहुंचाई। उन्हें चोट पहुंचाने के बाद भी हमें कहना पड़ा उन्हें बिजली को छोड़ के जाए। लक्ष्मी, हमें क्षमा कर दीजिए। मैं पहली बार इतना श्रम किया, कुछ नहीं हुआ। हमें तो लगता है हमारे मन की बात इस पत्र में ही रह जाएगी। फिर क्या लाभ इस पत्र का? नहीं नहीं, कितने श्रम से लिखा हमने ये पत्र। हम उसे तो बता ही सकते हैं ना, जिसे हम अपने मन की हर बात बताते हैं। उसे बताए बिना कैसे फाड़ सकते हैं हम ये पत्र? अजब दे। चलो। नाक कटा के रख दिया आपकी बेटी ने। किंतु हुआ क्या राव जी? ये पूछिए क्या नहीं हुआ है। मेवाड़ के सबसे शक्तिशाली, सबसे विश्वास पात्र सामंत का सर झुका के रख दिया इसने। क्या सोचेंगे कुंवर प्रताप हमारे बारे में? अपनी दृष्टि में इतना छोटा बना के रख दिया है हमें। किंतु इसने किया क्या है? पूछिए इसे किया क्या है। जब कुंवर प्रताप ने यहाँ से जाने का निर्णय लिया, तभी हम समझ गए थे कुछ तो गलत हुआ है। अब समझ में आया है
उस निर्णय के पीछे पीछे आपकी बेटी का हाथ था। हाँ हाँ, आपकी 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 बेटी ने ही कुंवर प्रताप को यहाँ से जाने के लिए कहा। कभी कुंवर प्रताप को यहाँ से जाने के लिए नहीं कह सकते। बताइए अजबते, आपने ऐसा कुछ नहीं कहा ना। बताइए, बता दीजिए कि सच क्या है। बताइए अजबते, क्या आपने कुंवर प्रताप को यहाँ से जाने के लिए कहा? इस बात का राणा उदय सिंह को पता चलेगा क्या सोचेंगे वो? किसी को मुंह दिखाने योग्य नहीं रखा है आपकी बेटी ने। अच्छा थी, हम मां हैं आपकी, आपके बिना बोले हम जान लेते हैं कि आपके मन में क्या है। हम जानते हैं कि आप नहीं चाहती थी कि कुंवर प्रताप यहां से जाए, क्योंकि जिस प्रकार दिन रात आपने उनकी सेवा की उपचार में, वैसा हर कोई नहीं करता। फिर क्यों अजब दे, क्यों क्यों कहा आपने उन्हें यहां से जाने के लिए? आपसे दादा की जगह नहीं देखी जाए थी, नहीं देख पा रहे थे। कुंवर प्रताप की सुरक्षा में उनकी चिंता, वो ना ही सो रहे थे और ना ही खा रहे थे, नहीं देखा जाए था हमसे दादा का एक कष्ट, नहीं देखा जाए था सुबह से रात कोई बताप के लिए चिंतित रहना, अपने ही महल में डर डर के रहना, नहीं देखा जा रहा था। हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण हमारे दादा और आपका ही दबाव, इसीलिए इसीलिए हमने कोई बताप को यहां से जाने के लिए बोला। हमें क्षमा कर दीजिए जब, क्षमा कर दीजिए। बाबूजी राज, ये वाला मार्ग तो फिर से हमें बिजोला महल तक लेके जाएगा। हमें इस मार्ग की ओर जाना चाहिए। ओह, हाँ हाँ, अब ठीक कह रहे हैं। पता नहीं क्यों हमारा मन नहीं कर रहा यहाँ से जाने का। बाबूजी राज, हमें भान है, आपका मन लग गया था ना वहां बिजोलिया में। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, चलिए। यहां से मेवाड़ की हद शुरू होती है शहंशाह। हम बिजोलिया के इतने करीब पहुंच चुके हैं खान बाबा कि अब जरा सी भी देरी
बर्दाश्त नहीं हो रही हमसे। अब कुछ ही मील दूर है फूल कवर हमसे। हाँ, पर बदकिस्मती से प्रताप अभी भी वहां मौजूद होगा। ज्यादा देर नहीं खान बाबा, ज्यादा देर नहीं। अब हम और इंतजार नहीं कर सकते। जी, बस एक बार हमारा मुखबिर चौकियों की खबर लेकर आ जाए। आ गया। जांपला का इकबाल बुलंद हो, यहां पर दूर दूर सभी सरहदी फौजी चौकियों पर मेवाड़ का कब्जा दिख रहा है। दूर दूर तक कहीं अफगान का कब्जा नहीं दिख रहा। क्या आखिर कर क्या रहा है महमूद शाह यहाँ? आप फिक्र मत कीजिए शहंशाह, जैसे ही हम महमूद शाह से मिलेंगे अपने सारे सवालों के जवाब हासिल कर लेंगे। और अगर वो हमारे साथ कोई खेल खेल रहा है तो फिर कीमत तो चुकानी पड़ेगी महमूद शाह को। हुजूर, प्रताप बिजोले से रवाना हो चुका है। सुभान अल्लाह। अगर प्रताप बिजोलिया से रवाना हो चुका है तो कल तक अकबर के पास ये पैगाम पहुंच जाना चाहिए कि महमूद शाह खामोश नहीं बैठा है। उसने मेवाड़ की एक अहम रियासत बिजोलिया को नेस्तो नाबूद कर दिया है। मामून, मामून, यलगार हो, यलगार हो, यलगार हो, यलगार हो, यलगार हो। बिजोलिया की सीमा को पार करने से पहले हम चाहते हैं कि हम आज पारसोली में रुककर चित्तौड़ तक की लंबी यात्रा से पूर्व अपने अश्वों को थोड़ा दाना पानी दे और इन्हें थोड़ा विश्राम भी दे। जयवंत भाई जी, हम आपसे एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात करना चाहते हैं। हाँ, बात ऐसी है कि आपने देखा होगा कि आजकल कुंवर प्रताप के अधिकतर वस्त्र उनके शरीर पर छोटे पड़ते जा रहे हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि अगर कुंवर प्रताप चाहें तो वो हमारे वस्त्र भी धारण कर सकते हैं। सुनो, दूल्हे की पगड़ी वहां रखो सामने, ताकि राणा जी आए तो उस पर दृष्टि पड़े, और दुल्हन के गहने वो भी पगड़ी के पास ही रखो। जी, कुंवर प्रताप को हमारे आशीर्वाद के साथ अपने जीवन के अगले सोपान में चरण रख देना चाहिए। गेंदे के फूल सारे यहाँ ले आओ, शीघ्र शीघ्र करो। और मंडप, मंडप क्यों नहीं आया अब तक? हाँ, यहाँ लाओ, रख दो यहाँ पर। हाँ, फिर कैसे गए हैं? हाँ, हमें जयंताबाई जी के साथ बहुत ही शिष्ट और अप्रोक्ष रूप में बात करनी होगी। क्षमा करें महारानी सा, यह सब देखकर ऐसा लग रहा है महारानी सा कि यहाँ केवल वरवधु की ही कमी बाकी है। कितना अद्भुत तरीका ढूंढा है आपने अपनी बात महाराज को बताने का। अब क्या करें हम, बात ही कुछ ऐसी है। सोचकर ही मन विचलित हो जाता है कि ये बात राणा जी से कैसे कहें हम। महारानी सा, मेवानाथ पधार रहे हैं। राणा जी, आप सब चले जाओ यहाँ से शीघ्र। यदि राणा जी को ये संकेत समझ में नहीं आए तो कैसे बताएंगे हम उन्हें? यहाँ हमारे अशोक को दाना पानी देकर चित्तौड़ तक की लंबी यात्रा के लिए तैयार किया जा सकता है। आप लोग ये करिए, तब तक हम यहाँ के हाट बाजार तक होकर आते हैं। संभवतः हमारी बिजोलियां छोड़ने की बेचैनी कम हो जाए।
से निकाल दे, हम स्वयं ही जा रहे हैं। आप क्रोध में क्योंकि आपने कुंवर प्रताप को यहाँ से जाने के लिए बोली। अजब थी, हमें आपसे कोई भी बात नहीं करनी, आप जाइए यहाँ से और हमें अकेला छोड़ दीजिए। पर हमारी बात तो हमने कहा चली जाइए। क्षमा करना। भला हमारा क्या अधिकार है यहाँ पे किसी को जाने के लिए कहने का? ये तो आप ही का महल है ना, आप रुको, चाहो तो हम चले जाते हैं यहाँ से। वो यहाँ पे जो भी किया वो अपने दादा के भले के लिए किया, हित में विवश हो गए थे हम, और यदि उनके जगह आपके हित की बात होती तो भी हम यही करते। क्या मतलब? आपको यदि आपके और कुंवर प्रताप में से किसी एक के हित में निर्णय लेना पड़ जाए तो हम कुंवर प्रताप के बजाय आपके हित में निर्णय लेंगे। नए संबंधों के लिए हम अपने पुराने संबंधों की अनदेखी नहीं करेंगे। यदि भगवान आपके आत्मबल में से हमें आधा भी दे देते ना, तो अपने मन की बात तक नहीं जान पाते, प्रयास करे तो भी नहीं। लेकिन आप इतना साहस, ये सरहदी चौकी प्रताप ने खुद अपनी देखरेख में खड़े होकर बनवाई है। उसने सोचा होगा इन चौकियों को बनवाने के बाद हम उसकी जमीन पर कदम तक नहीं रख पाएंगे। हम अपने पूरे लाभ लश्कर के साथ घुस जाएंगे उसकी सरहद में। खुदा कसम, जहन्नुम बनाकर रख देंगे तमाम इलाके को। चवंताबाई जी, हम आपसे एक बहुत ही विशेष बात करने आए हैं, और विशेष बात यह है कि देखिए चवंताबाई जी, हम चाहते हैं कि जब तक हम अपनी बात पूरी ना कर लें आप शांत रहें। तो बात हम शुरू करते हैं कि अब हम क्या बताएं कि कुंवर प्रताप को अधिकतर उनके वस्त्र छोटे पड़ने लगे हैं, और अगर वो चाहें हमारे वस्त्र भी धारण कर सकते हैं। नहीं नहीं, हम पता नहीं आपसे वस्त्रों के बारे में क्यों बात कर रहे हैं, हम आपसे कुछ और बात करने आए हैं। हम आपसे बात करने आए थे अश्वों की। जयवंता भाई जी, जिस तरह से बिगड़े हुए अश्वों को हम साथ लेते हैं, उसी तरह से कुंवर प्रताप भी बिगड़े हुए अश्वों को साधना सीख गए हैं। हाँ, लेकिन हमें यह नहीं पता कि हम आपसे अश्वों के बारे में क्यों बात कर रहे हैं। जयवंता भाई जी, हम आपसे एक बात करना चाहते हैं, और वो बात यह है कि आप कुछ देर के लिए अपना मन कठोर कर लीजिए, क्योंकि हम आपसे कहने जा रहे हैं कि कुंवर प्रताप को हमारे यानी कि आपके और हमारे दोनों के आशीर्वाद के साथ अब अपने जीवन में उनको बिल्कुल ऐसे ही
तबाई जी, ये आप भी कुंवर प्रताप? अर्थात राणा जी, हम दोनों एक ही बात एक साथ? आ जाओ अंता भाई जी, हम भी यही चाहते हैं कि कुंवर प्रताप को विवाह कर लेना चाहिए। भगवान का लाख लाख धन्यवाद राणा जी, हम तो समझ ही नहीं पा रहे थे कि हम आपसे कैसे कहें, कैसे आपसे सहमति दें। और यही सारे प्रश्न हमें विचलित कर रहे थे जयंत भाई जी। कितने जल्दी बड़े हो गए कुंवर प्रताप। रात होने को है शहंशाह, आज रात हमें यहीं पर सोली में डेरा डाल देना चाहिए, सुबह निकलेंगे आराम से बिजोलिया के लिए। हम यहाँ की फिजा में महसूस कर रहे हैं फूल कवर का एहसास। ऐसा ही बाजार था जब हमारी पहली मुलाकात हुई थी फूल कवर से। भाई साहब, लक्ष्मी अचानक बहुत अशांत हो गई है, वो अपने आप को खुटे से छुड़ाने का प्रयास कर रही है। क्या? वैसे जब तक आप मुंह नहीं खोलती इतनी बुरी भी नहीं लगती हो।